भारतीय बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही आकर्षि कश्यप द्वारा बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम गौरव प्राप्त किए जाने पर दुर्ग महापौर ने सम्मान किया, जहां महापौर परिषद के सभी MIC प्रभारी सहित अन्य पार्षदों ने आकर्षि को गुलदस्ता भेंट किया, सम्मानित किया और शुभकामनाएं भी दी। भारतीय बैडमिंटन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली दुर्ग की आकर्षि कश्यप ने एक और खिताब अपने नाम दर्ज कर लिया है। दुर्ग की आकर्षि कश्यप कॉमनवेल्थ गेम में अपनी जगह बनाई है। इसी कड़ी में दुर्ग नगर निगम महापौर कक्ष में महापौर धीरज बाकलीवाल ने पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा के साथ अपने कक्ष में दुर्ग की बेटी आकर्षि कश्यप का, जो बैडमिंटन प्रतियोगिता में प्रथम गौरव प्राप्त करने पर MIC सदस्य व पार्षदों की मौजूदगी में सम्मान किया। इस अवसर पर अब्दुल गनी, मनदीप सिंह भाटिया, जयश्री जोशी, पार्षद ज्ञानदास बंजारे, प्रकाश गीते समेत अन्य लोग मौजूद थे। महापौर ने कहा कि बहुत खुशी का पल है कि हमारे दुर्ग की बेटी आकर्षि कश्यप बैडमिंटन खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में पहुंची। हम सबके लिए ये गौरव की बात है। बच्ची निगम ब्रांड एम्बेसडर की कमान भी संभाल रही है। इस संबंध में न्यूज टीम को आकर्षि कश्यप और महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कपल बहुत ही खुशी का क्षण, आज हमारी बेटी आकर्षि कश्यप जो कॉमनवेल्थ गेम में PV सिंधु जी के साथ बर्मिंगम में जो होने वाला है उसमें सेलेक्ट हुई है, हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है, क्योंकि हमारे दुर्ग शहर की है, हमारे दुर्ग नगर निगम की वो ब्रांड एम्बेसडर भी है, और जो उनका संघर्ष रहा, मैं उनके माता पिता को भी बहुत बधाई दूंगा कि जो उन्होंने इनको आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत की, और हमारी बिटिया को भी बहुत बधाई दूंगा, क्योंकि बहुत चीज़ों का हमको त्याग करना पड़ता है जब हम इस स्टेज में पहुंचते हैं। तो आकर्षि कश्यप जी को बहुत बधाई दूंगा और उनके माता पिता को बधाई दूंगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वर्ल्ड नंबर वन ये पहुँचे, हम सबका आशीर्वाद इनके साथ है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल ट्वीट के माध्यम से बधाई दी है, पूरा प्रदेश में खुशी की लहर है, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है कि हमारी बच्ची आज कॉमनवेल्थ गेम में सेलेक्ट होके जा रही है। हम लोग आज तक पुलेला गोपीचंद, प्रकाश पादुकोणे, PV सिंधु, साइना नेहवाल का नाम सुनते थे, अब हमारे घर की बेटी, हम आकर्षि कश्यप को हम TV में देखेंगे खेलते हुए, तो ये बहुत ही खुशी का क्षण है। हम बहुत अभिभूत हैं आज नगर निगम में हम, और इतनी सरल है कि हमने आज सुबह जब फ़ोन में बात की कि हम लोग घर आके स्वागत करना चाहते हैं, तो बोले नहीं 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 मैं नगर निगम आऊँगी। तो ये इनकी सरलता भी है, उम्मीद है कि आगे जाके पूरे दुर्ग का, पूरे प्रदेश का, देश का नाम ऊंचा करें। एक बार प्रयास करेंगे आप ये लगातार बैडमिंटन की, जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं उसको गिटार क्लब है, पुराना कॉलेज में है, और अभी एक वार्ड 21 में भी इंडोर बैडमिंटन का बन रहा है, और आगे भविष्य में भी हम लोग बैडमिंटन को लेके और कोर्स बनाने के हम लोगों की स्कीम में है, ताकि हमारे बच्चे और आगे बढ़े। बैडमिंटन नहीं, सभी स्पोर्ट्स को लेके हम लोग बहुत जागरूक हैं, जैसे हॉकी का एस्ट्रोटर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की माननीय विधायक जी के प्रयासों से, तो खेल बहुत ज़रूरी है, खासकर जब ये कोरोना काल में धीरे धीरे जो लोग घर में रहने की आदत, बच्चे हमारे घर में मोबाइल और वीडियो गेम में ही लगे रहते थे, तो आप एक बहुत बड़े मॉडल बन के सामने आए कि हमको भी घर से बाहर आके ग्राउंड गेम भी खेलने। ठीक, मेरा संघर्ष मतलब काफ़ी हार्ड वर्क किया है मैंने, जब मैं 8 साल की थी तब से मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ। अपने भिलाई में मैंने मोस्टली प्रैक्टिस किया है, भिलाई दुर्ग में मेरा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस हुआ है, और अभी मेरा सिलेक्शन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि अभी 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाला है बर्मिंगम, उसके लिए हुआ है। PV सिंधु के बाद मैं सेकेंड प्लेयर हूँ और सिर्फ 2 ही वुमेन सिंगल्स का सिलेक्शन हुआ है, तो मैं काफ़ी खुश भी हूँ और मेरे पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं अपने दुर्ग शहर छत्तीसगढ़ और अपने देश का नाम रोशन करूँ। साथ ही मेरा सिलेक्शन थॉमस उबर कप में भी हुआ था जो कि बैंकॉक में हुआ है, और एशियन गेम्स जो कि चाइना में होने वाला है, किसी कोविड की वजह से वो पोस्टपोन हो चुका है, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फील कर रही हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने प्रदेश का नाम रोशन करूँ। बैडमिंटन अभी काफ़ी ग्रो कर रहा है, सेकेंड क्रिकेट के बाद वो अभी सेकेंड पॉपुलर स्पोर्ट है, तो आई फील काफ़ी लोग भी हैं जो है, पेरेंट्स हैं काफ़ी जागरूक हो चुके हैं, वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालने के लिए, स्पोर्ट्स एज अ प्रोफेशन चूज़ करने के लिए भी एनकरेज कर रहे हैं, तो मैं यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगी कि देर आर नो शॉर्टकट्स, उनको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, देर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस, एंड डिस्ट्रैक्शन से वो दूर रहें मोस्टली, जैसे इनिशियल एजेस में
वो काफ़ी फोकस रहते हैं, बट जैसे जैसे वो टीन एज में आते जाते हैं डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते जाता है, तो कंट्रोल, लाइक सेल्फ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट. तो आई गेस ये सब करने से वेल इम्प्रूव मच. क्या लगता है आपको? अभी जो मेरी मुलाकात हुई सबसे सर से, तो काफ़ी ज़्यादा एनकरेजिंग था मेरे लिए, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा मिलने के बाद, और काफ़ी मोटिवेटेड फील कर रही हूँ. और छत्तीसगढ़ में मैं रविशंकर स्टेडियम में ही दुर्ग में प्रैक्टिस करती थी, बचपन से वहीं पे ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो काफ़ी सपोर्ट रहा है सबका, मैं उनका आशीर्वाद चाहूँगी. ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट.